हेमंत सोरेन जी ने जिस 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा कर किया था, जो उनकी बेनामी जमीन थी, कब्जा ही था, सिर्फ कागजी कार्रवाई बची हुई थी। अंतु तिर्की ने भी उसी के बगल वाले, उसी खाता, उसी खेसरा वाले प्लॉट पर कब्जा कर रखा था। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये पड़ोस के आसपास का। तो जेएमएम को बहुत सारी चीजों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर कैसा है। देखिए, किसी समय हेमंत सोरेन ने नारा दिया था यूथ फर्स्ट, अब यूथ फर्स्ट से ये फैमिली फर्स्ट कब आ गए ये पता ही नहीं चला। अब सिसिलियन माफिया की फैमिली में क्या होता था, सिर्फ उनके परिवार के जो सदस्य है वो उसके सदस्य नहीं होते थे, उनके सारे इष्ट मित्र के परिजन। तो फैमिली फर्स्ट से हेमंत सोरेन ने जो चुनाव के सफर की शुरुआत की थी, माफ कीजिएगा, यूथ फर्स्ट से, वो फैमिली फर्स्ट पर आकर रुक गया और तमाम जो बड़े बड़े डील्स होते थे, माइनिंग लीज, लैंड लीज, सब इनके एक्सटेंडेड फैमिलीज के बीच में बटा, और मुख्यमंत्री फिर भी खामोश है। और चंपई सोरेन जी के लिए तो हम हमेशा कहते हैं कि चंपई सोरेन जी को जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में दरकिनार किया गया, रैली में उनको किनारे जगह दी गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम बड़े नेता इस बात को उठाते रहते हैं कि चुनाव होगा, गांडे का चुनाव होगा, उसके बाद नया मुख्यमंत्री का चयन होगा। साहब, इतना बड़ा कन्फ्यूजन, अव्वल तो कल्पना सोरेन जी गांडे से अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत बड़ी हार से करने जा रही है, तो ये तो स्थिति भी नहीं आएगी। लेकिन इनकी सोच देखिए, सोरेन परिवार के बाहर एक आदिवासी मुख्यमंत्री आ गया तो ये इन्हें पच नहीं रहा, यही इनकी सच्चाई है। तो हमारा आज सरकार से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्रश्न है कि ये छोटा नागपुर के गैंग्स ऑफ वासेपुर और हेमंत सोरेन जी का बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। और लव जिहादियों पे तो आप नकेल नहीं कर सके, ये लैंड जिहादियों पर कब नकेल कसेंगे। दस लोग जेल में चले गए हैं इस मामले में, सेना की जमीन पर अवैध कब्जे की बात ही, रातों रात बाउंड्री वॉल खड़ा कर दिया गया। आपको मुझे बोलने देंगे, एक ही व्यक्ति प्रश्न करे ये उचित नहीं, बार बार सबको करने दें। आपने एक प्रश्न किया, मुझे उसका जवाब देने दें। रातों रात बाउंड्री वॉल खड़ा कर दिया गया, सेना की जमीन को कब्जे की कोशिश की गई, प्रथम दृष्टया मामले को सही माना गया, 10 लोग जेल में। कोई और प्रश्न? ये इस मुद्दे को तो हम लोग पहले भी उठा चुके थे कि कितने कन्वीनियंटली रिकॉर्ड रूम में चोरी हो जाती है, खतिहान में चोरी हो जाती है, जो खाता 2 है, पंजी 2 है, वो रिकॉर्ड गायब हो जाते हैं। और देखिए, अफसोस कि अभी तक जिला प्रशासन ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि कौन कौन से खतिहान हैं, कौन कौन से पंजी 2 हैं जो गायब हो गए हैं। सिर्फ एक FIR की रसम अदायगी हो गई है, लेकिन वो एक लिस्ट होता है कि किन किन जमीन के कागजात गायब हुए हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि ये जो लैंड जिहादियों का मैंने आपको नाम गिनाया कि कैसे इनका गैंग्स ऑफ वासेपुर की तर्ज पर काम करता है इनका पूरा गिरोह, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि और बड़े बड़े जमीनों का भी कब्जा का मामला सामने आया होगा और ये एक कवर अप ऑपरेशन है। नहीं तो इसके घटना के बीते हुए 10 से 15 दिन हो गए और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने वो लिस्ट नहीं दिया। देखिए, प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है और ये तो होना ही था। सोरेन परिवार अपने परिवार से बाहर नहीं दिखता, मुझे लगता है राबड़ी देवी का एक्सपेरिमेंट वो दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये झारखंड है, पिछले चुनाव के भी आंकड़ों को देखें तो NDA हम उस सीट पर 8000 वोटों से आगे था। ये अलग बात था, आसू और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग लड़ी थी। तो इस बार तो हेमंत सोरेन जी के 4 वर्षों का 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का कलंक भी सरकार के ऊपर है, जो चुनाव में रिफ्लेक्ट करेगा। इसके अतिरिक्त जिस तरीके से आदिवासी मूलवासियों को ठगा गया, तो कल्पना सोरेन एक बड़ी हार के साथ अपने पारी की शुरुआत करनी चाह रही है। हम तो पहले भी कहते थे कि हम तो शुभकामनाएं भी देना चाहते थे पर नहीं दे सकते, क्योंकि जब उन्होंने सोच लिया है कि बड़ी हार के साथ ही करियर की शुरुआत करनी है तो कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। ये लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इन्होंने सूरत का बात उठाया, ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतर है, क्योंकि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा बड़ा प्रश्न है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर और लव जिहादी के बाद जो लैंड जिहादी हैं उन पर JMM का और सरकार का क्या स्टैंड है। देखिए, अगर आप याद करें तो 2012 में कन्नौज में डिंपल यादव निर्विरोध चुनी गई थी। देश के लोकसभा के चुनावों के इतिहास में 44 बार प्रत्याशी जो हैं वो निर्विरोध चुने जा चुके हैं,
लेकिन अफसोस कि आज तक किसी ने प्रश्न नहीं उठाया नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, अभी इलेक्शन हो रहा है मणिपुर या कहीं और दो चार जगह है जहां लोग अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं, किसी का इस पर प्रश्न नहीं। 2012 में आप क्यों चुप थे? उस दिन भी अंतिम दिन दो कैंडिडेट्स अपने नाम विड्रॉ किया था, डिंपल जी निर्विरोध चुनी गई थी समाजवादी पार्टी के टिकट पर, और सूरत में जो सारा कुछ हुआ वो कानून के दायरे में हुआ। तो नैरेटिव सेलेक्टिव मत रचिए नॉर्थ ईस्ट में। तो इस बार भी चुनाव में अनेक सीटों पर विधानसभा में लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए। धन्यवाद। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK News Network को, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।